YouTube चैनल, मेरा नाम सरिता और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सरिता पटेल टेक्स। तो आज की वीडियो में आपको वॉच टाइम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आप लोग मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि आज आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है कि आप अपने चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज किस तरीके से करा सकते हैं। और वॉच टाइम से रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो बहुत टाइम से नहीं आई है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को चैनल मोनेटाइज कराने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर की। 1000 सब्सक्राइबर तो हम पूरे कर लेते हैं, पर हमारा 4000 घंटे का वॉच टाइम बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाता है। उसको पूरा करने के लिए हम लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके चैनल पर वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ आप लोग शुरू शुरू में क्या करते हैं। अगर आप लोग मतलब अपने चैनल पर अगर वीडियो बनाते हैं और आप लोग अपना वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को वॉच टाइम पूरा करने के लिए सबसे पहले तो ये करना होगा, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप लोग 4-5 जीमेल आईडी बना लीजिए अपनी और अपनी वीडियो को उन्हीं से देखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप अपनी एक एक जीमेल आईडी से हर वीडियो अपनी वीडियो को हर जीमेल आईडी से देखेंगे तो आपका वॉच टाइम वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। और मैं आपको बताऊँ, जब आपका वॉच टाइम वहाँ से बढ़ेगा, फिर आप अगर आप अपने 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपके लिए डेली लाइव जाना है अपने चैनल पर। अगर आप डेली लाइव जाते हैं उससे आपको 4-5 घंटे जरूर मिलते हैं। अगर आप 1 घंटे लाइव जाएंगे तो आपको कम से कम 4-5 घंटे वहाँ से मिलेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से धीरे धीरे करके अपने चैनल के वॉच टाइम को इंक्रीज करेंगे। दोस्तों, जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, जब मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने भी ऐसे ही इन्हीं तरीकों से अपने वॉच टाइम को पूरा किया। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी जीमेल आई डी बना के रखी थी, तो मैं उन्हीं से अपनी वीडियो को देखती थी। उनसे जब मैं अपनी वीडियो को देख लेती थी तो उनसे मतलब इतना तो वॉच टाइम बढ़ेगा नहीं। फिर मैं धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा, फिर मुझे पता लगा कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद यूट्यूब पर लाइव कर सकते हैं, तो मैंने डेली लाइव करना स्टार्ट किया। चैनल पर वॉच टाइम है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था। फिर मतलब जो वॉच टाइम मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मेरी जो वीडियो थी वो सर्चिंग में जाने लगी, उसके बाद वो वीडियो ऑटोमेटिक अपने आप ही चल गई, तो मुझे लाइव जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। थोड़े दिन मैं लाइव गई थी तो मेरा वॉच टाइम वहाँ से भी काफ़ी मैंने इंक्रीज़ किया और मेरी जो वीडियो चल गई तो उनसे मेरा सारा वॉच टाइम था वो कंप्लीट ऐसे ही हो गया। अगर आप लोग भी नए यूट्यूबर हैं और आप लोग अपने वॉच टाइम को पूरा करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स आप लोगों को सर्चिंग टॉपिक पर वीडियो बनानी है। अगर आप सर्चिंग टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो आपकी वीडियो सर्च में जाती है, उससे आपको सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिलता है। इतना वॉच टाइम आपको कहीं से नहीं मिलेगा जितना आपको सर्चिंग से मिलता है। तो अगर आप लोग भी नए क्रिएटर हैं तो आपको यूट्यूब रिलेटेड टिप्स बिल्कुल भी नहीं देने हैं, आपको सर्चिंग से वीडियो सर्चिंग वाली बनानी है और आप लोगों को डेली लाइव जाना है अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आपको अपनी जीमेल आईडी से अपनी वीडियोस को देखना है। तो यही सबसे आसान 3 तरीके हैं जिससे आपका वॉच टाइम जल्दी से जल्दी इंक्रीज हो सकता है और यूट्यूब पे आप भी अपना चैनल मोनेटाइज करा सकते हैं। तो मोनेटाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है ये 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर, इन्हें पूरा करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों को भी बस इन्हीं तरीकों से अपने वॉच टाइम को पूरा कर लेना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे ही नेक्स्ट वीडियो।